नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, टिकटॉक की ब्रांड इमेज को कोरोना ने दिया जोर का झटका। इमेज बसाने के लिए फैजल सिद्दीकी का अकाउंट बैन। बड़ी खबर, कोरोना वायरस को लेकर देश में सीन के खिलाफ पनपते गुच्छे का पहला शिकार वहां की कंपनी का वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक बन गया है। भारत में लोग तेजी से टिकटॉक ऐप अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर रहे हैं और टिकटॉक की रेटिंग भी कम करते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी की ब्रांड वैल्यू बनाए रखने के लिए आदित्य बिरला ग्रुप के एक सीनियर अधिकारी की भी टिकटॉक ने अपने यहाँ नियुक्ति की है, लेकिन मामला संभल नहीं रहा है। लॉकडाउन के शुरुआती दौर में शॉर्ट वीडियो कंटेंट प्लेटफॉर्म टिकटॉक जैसे तेजी से आगे बढ़ा था, अब उतनी ही तेजी से वापस नीचे आ चुका है। हाल ही में टिकटॉक के साथ हुई कुछ चुटपुट घटनाओं ने बड़ा रूप ले लिया है। नतीजा ये निकला कि टिकटॉक को अब जो टिकटॉक का प्लेटफॉर्म है वो नीचे आ चुका है। इस घटना के ताज़ा शिकार हुए हैं हाल ही में तेजाब हमले पर टिकटॉक वीडियो बनाने वाले फैजल सिद्दीकी। पिछले ही हफ्ते टिकटॉक ने भारत में अपने नए मार्केटिंग हेड अशोक सेरिंग की नियुक्ति की। अशोक इससे पहले आदित्य बिरला ग्रुप के एप्लोज एंटरटेनमेंट में मार्केटिंग और रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में काम करते थे। अशोक की अगुवाई में टिकटॉक हाल ही में भारत में बिगड़ी अपनी छवि को सुधारने की कोशिश कर रहा है। फैजल सिद्दीकी का अकाउंट बैन करने के साथ ही प्लेटफॉर्म ने कहा कि फैजल के अकाउंट से पोस्ट की गई वीडियो उनके सामुदायिक दिशा निर्देशों का उल्लंघन करती है, जबकि फैजल के प्रशंसकों का मानना है कि टिकटॉक पर इससे पहले हजारों ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जो फैजल के वीडियो से मेल खाती हैं, फिर भी उन अकाउंट्स को बैन नहीं किया गया, तो फैजल के साथ ही दोहरा बर्ताव क्यों किया गया। टिकटॉक के खिलाफ मैदान में उतरे परेश रावल, जिसे बाबू राव के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि ऐप बैन करने को लेकर बड़ा ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा कि यह ऐप बैन होना चाहिए, अब सरकार भी इसकी तैयारी कर रही है।